तीन फिल्में सजेस्ट करूंगा जो ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज है, जैसे कि 12 फेल थी। अब 12 फेल तो सबने देख ली होंगी इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो मत देखो, जाके फिल्म देखो पहले, ये वीडियो बाद में देख लेना। ये फिल्में ऐसी है कि आपको इतना इंस्पायर कर देगी चांद तक पहुँच जाओगे। चलो चांद तक ज़्यादा हो गया, पर दूर तक जाओगे। पहली फिल्म है कौन प्रवीण तांबे, 2022 की फिल्म है। एक इंसान की कहानी है जो बस किसी भी तरीके से ना, उसे क्रिकेट खेलना था, देश के लिए खेलना था, नेशनली खेलना था, इंटरनेशनली खेलना था। अपना वो कैसे प्रिपेयर करता है, फैमिली भी संभालता है, काम भी संभालता है, क्रिकेट भी संभालता है, लगा रहता है, कंसिस्टेंटली लगा रहता है। उम्र निकल रही है क्योंकि एक एज के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्रिकेट में, रणजी, इंटरनेशनल क्रिकेट, इन समय क्वालिफाई करना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। दूसरी फिल्म है किंग रिचर्ड, जो विलियम सिस्टर्स के ऊपर है, जो टेनिस चैंपियंस रही हैं। ये उस दौर की बात करती है जब अमेरिका में खास तौर पे ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ या लड़कियों को ऐसा लगता था कि नहीं कर पाएंगी कुछ, मतलब पॉसिबल नहीं है, जिस रूट में इनके फादर इन्हें लेके जाना चाह रहा है कि टेनिस खिलवा रहे अपनी बेटियों को, जो सबको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है। अगेंस्ट द ऑड्स जाकर उनके फादर उन्हें ट्रेन करते हैं, किस तरीके से ट्रेन करते हैं, क्या जुगाड़ लगाकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्म बनाई है। अगर दंगल पसंद आई है ना तो ये तो जरूर पसंद आई है। तीसरी फिल्म है द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। इसमें एक बाप अपने बेटे के लिए क्या करता है और किस तरीके से स्ट्रगल करता है, कंसिस्टेंट तरीके से किस लेवल पे स्ट्रगल करता है, पब्लिक बाथरूम में सोता है अपने बेटे के साथ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है इसके साथ, आपको देख के लगता है कि यार इस इंसान को तो सक्सेस मिल जानी चाहिए, ये जेन्युइनली डिजर्व करता है। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, तो ये फिल्म भी देखना। और एक गूगल सर्च मारोगे तो पता चल जाएगा तीनों फिल्में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर है। बाकी आप बताओ ऐसी कोई इंस्पायरिंग फिल्म जो आपको बहुत सही लगी, कमेंट्स में लिखो।